इस पूरी दुनिया में पेरेंट्स की तीन कैटेगरी होती है। पहली कैटेगरी में वो पेरेंट्स आते हैं जो अपने बच्चों को पूरी छूट देते हैं, कुछ नहीं बोलते। अब इससे क्या होता है, या तो बच्चा भयंकर तरीके से बर्बाद हो जाएगा क्योंकि उसको पूरी छूट मिली है, वो जो चाहे वो कर सकता है, उसे कोई कुछ कहने वाला नहीं है, या तो बच्चे की बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग और बोल्ड पर्सनैलिटी बनेगी, बच्चा कॉन्फिडेंट होगा क्योंकि बच्चे के ऊपर किसी चीज का दबाव नहीं है, किसी चीज की रोक टोक नहीं है, तो वो जो चाहेगा वो पढ़ेगा, जैसा करियर चाहेगा वैसा करियर चुनेगा, जिस इंसान के साथ अपना जीवन बिताना चाहेगा उस इंसान के साथ अपना जीवन बिताएगा। सेकेंड कैटेगरी में वो पेरेंट्स आते हैं जो ना ही बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट होते हैं और ना ही बहुत ज्यादा लीनियंट होते हैं, और 70-80% पेरेंट्स इस कैटेगरी में लाए करते हैं। तीसरी कैटेगरी में वो पेरेंट्स आते हैं जो एक्सट्रीमली डोमिनेंट होते हैं, हर चीज में इनकी परमिशन चाहिए, चाहे वो करियर हो, एजुकेशन हो, कपड़े हो, फ्रेंड्स हो, शादी हो, इन सबका फैसला ये करते हैं। और जब इन सब चीजों पे काउंटर क्वेश्चन करो तो रीजन देंगे हमने तुमको पैदा किया या तुमने हमको पैदा किया। जिन लोगों के पेरेंट्स इस कैटेगरी में लाए करते हैं उनको बहुत ज्यादा मेंटल स्ट्रेस से गुजरना पड़ता है, विच इज ऑब्वियसली नॉट गुड। और इस वीडियो का मेरा सारा फोकस इस थर्ड कैटेगरी पे है। अब तुम अगर स्कूल कॉलेज में पढ़ते हो तो जाहिर सी बात है कि तुम इनको छोड़ के तो जा नहीं सकते क्योंकि तुम उन पे खुद डिपेंडेंट हो। तुमको सिर्फ इतनी सी बात सोचनी है कि एक स्टूडेंट की लाइफ में सबसे ज्यादा क्या चीज इंपॉर्टेंट है अकॉर्डिंग टू मी। पढ़ाई, पर्सनालिटी, कॉन्फिडेंस, इंटेलिजेंस। डोमिनेंट पेरेंट्स के साथ रह के ये सब अपने अंदर डेवलप करना मुश्किल है पर इम्पॉसिबल नहीं है। याद रखना मैं क्या कह रहा हूँ, मुश्किल है पर इम्पॉसिबल नहीं है। अब जो मैं बात बोलने वाला हूँ वो 99% लोगों को बहुत बुरी लगेगी, लेकिन जो बात है वो है यूज देम। ऐसी सिचुएशंस में तुम्हारा दिमाग बिल्कुल उल्टी तरीके से काम करना चाहिए। खाना, घर, एजुकेशन और बाकी के जरूरी खर्चे जो तुम्हारी लाइफ के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है उनके लिए अपने पेरेंट्स का यूज करो, खुद को कुछ बनाने के लिए। फ्रेंड्स के साथ घूमना, अपनी मर्जी के कपड़े पहनना, अपने हिसाब से जीवन को जीना, इन सबके ऊपर रोक लगाई जाएगी। तुम लड़ना मत, तुम आर्ग्यू मत करना, बस तुम इतना सोचना कि कोई बात नहीं, अभी शायद वो सही समय नहीं आया है पर बहुत जल्दी आएगा। जैसे जैसे तुम बड़े होते जाओगे, खुद पे डिपेंडेंट हो जाओगे, अपने खर्चे खुद संभालने लगोगे, अपनी लाइफ थोड़ी थोड़ी अपने हाथ में लेने लगोगे, मे बी चीजें बदल जाए, मे बी तुम्हारे पेरेंट्स की सोच बदल जाए, मे बी उनका कैरेक्टर बदल जाए, बट फॉर नाउ जो भी तुम्हें तुम्हारे पेरेंट्स से रिसोर्सेज मिल रहे हैं ना उसको यूज करो। इसके पीछे की थ्योरी बताता हूँ कि मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ कि अपने पेरेंट्स का इस्तेमाल करो। मैं ऐसा मानता हूँ कि हमारे जो माँ बाप है उन्होंने हमको पैदा किया है, उन्होंने हमको पैदा किया है इसीलिए नहीं कि वो हमारी लाइफ के ऊपर कैप्चर कर सके, इसीलिए नहीं कि वो हमारी लाइफ को अपने हिसाब से चला सके। मैं ये चीज नहीं कर पाया, मैं अपने बच्चे के थ्रू करवाऊंगा। सेल्फिश मोटिव है ना यहाँ पे कि मेरा ये सपना पूरा नहीं हुआ लेकिन मैं अपनी बेटी के थ्रू करवाऊंगा। मेरी बेटी उस फील्ड में नहीं जाना चाहती है, मेरी बेटी वैसा जीवन नहीं जीना चाहती, बट मैं अपने ईगो को सेटिस्फाई करूंगा। मेरे सपने पूरे नहीं हुए तो मेरी बेटी करेगी मेरे सपने पूरे, और फिर मैं अपनी बेटी को इमोशनल टॉर्चर दूंगा। अपने पापा का सपना पूरा नहीं करेगी तो वो बच्ची क्या करेगी, वो बेचारी बोल भी नहीं पाएगी मेरे पापा, वो इमोशनल हो जाती है, भाड़ में गए मेरे पापा। तुम्हारे पापा अपना जीवन सड़ा चुके हैं, तुम मत सड़ाओ। वो भी एक इंसान है, वो भी पृथ्वी पे आए हैं, मैं भी एक इंसान हूँ, मैं भी इस पृथ्वी पे आया हूँ। इसका मतलब ये नहीं है कि एक दूसरे के ऊपर कब्जा कर लेगा जस्ट बिकॉज, क्योंकि वो उसके शरीर का हिस्सा है, जस्ट बिकॉज वो बेटी का जो छोटा सा सेल है वो उसके बाप के स्पर्म से बना है, जस्ट बिकॉज वो जो बेटा है वो अपनी माँ की कोक से पैदा हुआ है तो उसके ऊपर आप कैप्चर कर लोगे, आपकी प्राइवेट प्रॉपर्टी थोड़ी ना है वो। जितना कम इंटरेक्ट करोगे उतना बढ़िया है, जितना ज्यादा फालतू की बातें कम करोगे उतना बढ़िया है। तुम क्या करते हो, एक तरफ तुमको अपने पापा पे गुस्सा भी आता है, अपनी मम्मी से तुम्हें चिढ़ भी मचती है, उसके बाद अचानक से अगले ही दिन तुम चाय समोसा लेके अपने ही पापा के साथ बैठ जाते हो, उसके बाद बातों ही बातों में कब कॉन्वर्सेशन बदल जाती है, तुम्हारी शादी को लेके, तुम्हारे करियर को लेके बातें होने लग जाती है, तुम्हारे स्कूल में कितने मार्क्स आ रहे हैं, तुम्हारी पढ़ाई कैसी चल रही है, कब कॉन्वर्सेशन आर्ग्यूमेंट में बदल जाएगा, बहस होने लग जाएगी, फिर तुम्हें गुस्सा आएगा कि देखो ये तो है ही ऐसे, तुम्हारे अंदर क्यों चूल्हा जबरदस्ती कॉन्वर्सेशन में घुसने की। काम से काम रखो, टू द पॉइंट बात करो, ज्यादा डिटेल में मत जाओ, क्योंकि जितना ज्यादा तुम उनसे बात करोगे उतनी ज्यादा बातें खुलेंगी, और जब बातें खुलेंगी तो तुम्हें पछतावा होगा। मत बताओ तुम क्या सोच रहे हो, मत बताओ तुम कौन सा एग्जाम देने की तैयारी कर रहे हो, मत बताओ तुम क्या सीखने की कोशिश कर रहे हो, मत बताओ तुम्हारे कौन से नए दोस्त बने हैं। तुम इनको कोई भी वीडियो दिखा दो, बस यही देखती रही हो तू, यही काम है तेरे पास, ये क्या देख रहा है, ये गलत सिखा रहा है, इसको देखना बंद कर। तुम अपने किसी फ्रेंड की बात बता दोगे, इसके साथ मत रहा कर। तुम अपने किसी टीचर की बात बता दोगे, ये टीचर खराब है। इन लोगों को ये लगता है कि दुनिया का सारा ज्ञान इन्हीं के पास है, और इनको ये लगता है कि अगर मोदी देश का प्रधानमंत्री नहीं होता तो अगले पीएम यही होते। पढ़ाई के साथ साथ अपने अंदर और स्किल्स डेवलप करो, चाहे वो गिटार सीखना हो, चाहे वो कुकिंग हो, चाहे वो पेंटिंग हो, चाहे वो डांसिंग हो, चाहे वो सिंगिंग हो, चाहे वो बेस्ट कम्युनिकेशन डेवलप करना हो, चाहे वो साइकोलॉजी पढ़ना हो, चाहे वो सेल्स एंड मार्केटिंग को समझना हो। इससे फायदा क्या होगा, तुम जितना ज्यादा बिजी रहोगे नई नई चीजें सीखने में, अपनी पढ़ाई में, अपनी आप को डेवलप करने में, उतना ज्यादा तुम्हारे पेरेंट्स से तुम्हारा इंटरेक्शन कम होगा। इंटरेक्शन कम होगा तो आर्ग्यूमेंट नहीं होगा, तुम भी चिल रहोगे और वो भी अपने काम से काम रखेंगे। लेकिन अगर तुम खाली बैठोगे तो ये तुम्हें आके पकड़ लेंगे, हाँ भाई क्या चल रहा है जीवन में बता, तो अब तुम बैठोगे देखो आ गया यमराज हमारे साथ बैठ गया, अब ये पकाएगा और ये बहसबाजी करेगा और दिमाग खराब हो जाएगा। सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो मैं तुमको यहाँ पे बता रहा हूँ इसको नजरअंदाज मत करना। इस वक्त तुमको पता होगा तुम्हारे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, मतलब तुमको पता होगा ना कि मान लो अगर तुम कॉलेज के फाइनल ईयर में हो तो तुमको पता होगा कि मेरे लिए प्लेसमेंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, या तुम किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो तुमको पता
पता होगा कि ये एग्जाम मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो तुम बस सारा फोकस उसी में लगा दो, क्योंकि यही है जो तुमको यहां से बाहर निकाल के बाहर फेंक देगा। दोस्तों को लेके इतना ज्यादा सीरियस मत हो, अपने आसपास के लोगों को लेके इतना ज्यादा सीरियस मत हो, ये लोग एंड में नहीं आएंगे तुमको तुम्हारे टॉक्सिक या डोमिनेंट पेरेंट्स से बचाने के लिए, तुम खुद ही खुद को बचाओगे।